हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में हमने ऑलरेडी 19 चैप्टर्स खत्म किए हुए हैं मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो 19 चैप्टर्स देखें ताकि आपका जो फंडामेंटल बेस है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में वो स्ट्रॉग हो जाए हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि किस तरीके से द रिवर्ल्ट ऑफ 1857 जिसे हम म्यूटी ऑफ 1857 कहते हैं वॉज फेल्यूर एज वेल एज सक्सेसफुल फेल्यूर इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसे ब्रूटली क्रश किया था सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि इट पेड वे फॉर द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म हमने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि 1885 में जब आईएनसी की पैदाइश हुई थी तो हमने वहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री ट्रेस की थी हमने देखा कि किस तरीके से हिस्टोरियंस जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को तीन फेजेस में डिवाइड करते हैं पहला द मॉडरेट्स दूसरा द एक्सट्रीमिस्ट और तीसरा गांधी जिसे हम लिबरल्स भी कहते हैं हमने ऑलरेडी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को कवर किया है हमने रेवोलूशनरी टेररिज्म यानी कि रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स जो थे भगत सिंह जैसे हमने उनके बारे में भी कवर किया है हमने देखा कि किस तरीके से नाइनटीन में बंगाल का पार्टीशन हुआ और नाइन्टीन में सूरत स्प्लिट के बाद जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो गए आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से स्वराज माय बर्थ राइट दरअसल स्वराज जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो एक स्लोगन के तौर पर दिया गया था बाला गंगाधर तिलक के साथ के द्वारा आप देख सकते हैं ये उनकी पिक्चर है तो आज के हम इस चैप्टर में देखेंगे आयरलैंड देख की, की थी इन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में थ्रू होम रूल लीग और हम इस लेसन में देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट वॉज सक्सेस एज वेल एज इट वॉज अर हम देखेंगे किस तरीके से होम रूल लीग लीड किया गया था अनिबिसेंट और बाला गंगाधर तिलक के द्वारा और हम देखेंगे कि ये फेल क्यों हुआ था और सक्सेस किस लिए हुआ था तो आइए शुरू करते हैं तो आइए जानते हैं द होम रूल मूवमेंट के बारे में तो दरअसल ये होम रूल मूवमेंट था क्या समझने की कोशिश करते हैं देखिए इट वॉज़ अ मोमेंट जिस तरीके से हमने पिछले लेसेंस में देखा कि किस तरीके से नाइनटीन नाट फाइव में पार्टीशन के बाद बंगाल के पार्टीशन के बाद वंदे मातरम मोमेंट चला हुआ था स्वदेशी मूवमेंट चला हुआ था जहाँ पर ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट किया जा रहा था तो इसी तरीके से होम रूल मूवमेंट भी एक मूवमेंट था इन ब्रिटिश इन द इंडिया ऑन द लाइन्स ऑफ आयरिश होम रूल मूवमेंट एंड अदर होम रूल मूवमेंट्स 1915 या फिर नाइनटीन अगर मैं कह सकूं तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो था वो एक हाइट पर था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जो था वो दुनिया के एक तिहाई हिस्से पर था तो ऐसे कई कंट्रीज थे जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे तो उसमें आयरलैंड भी एक था तो आयरलैंड होम रूल लीग या फिर आयरिश होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर होकर इंडिया में भी होम रूल लीग या फिर होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था द मोमेंट लास्टेड अराउंड टू ईयर्स बिटवीन 1916-1918. एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ये मोमेंट पोस्ट 1907, यानी कि सूरत स्प्लिट के बाद हुआ था जहां पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग रास्ते पर चल रहे थे क्या वो मिलते हैं या नहीं हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में जानेंगे

देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो अलग अलग फेजेस में होता है और अलग अलग फ़ेजेस में अलग अलग कैटेगरी ऑफ़ पीपल को कैप्चर किया जाता है या फिर अलग अलग कैटेगरी ऑफ़ पीपल को इंस्पायर किया जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट लड़ने के लिए हमने मॉडरेट्स को देखा मॉडरेट्स जो थे वो एल सेक्शन की तरह थे वो बस पढ़े लिखे एजुकेटेड इंडियंस के बीच में ही था

ब्रिटिशों के खिलाफ जो है वो अपनी एक वर्चुअल बैटल जहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की बात की एजुटेशन वगैरह की बात की उसका इस्तेमाल करें इन 1921 ट्वेंटी वन ऑल इंडिया होम रूल लीग चेंज इट्स नेम टू स्वराज सभा हम इसके बारे में आगे में बात करेंगे क्योंकि नाइनटीन ट्वेंटी वन में जो था बापू एंटर्ड महात्मा गांधी की एंट्री हो चुकी थी तो लेटर ऑन दिस होम रूल लीग मूवमेंट वॉज क्लब्ड इन टू इंडियन नेशनल कांग्रेस हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में बात करेंगे द ओरिजिन आइए देखते हैं कि इस होम रूल लीग का ओरिजिन किस तरीके से था या फिर द रीजन क्या थे इसके ओरिजिन के आप फ्लैग देख सकते हैं ये दरअसल होम रूल लीग का फ्लैग था अभी इंडियन फ्लैग नहीं आया था जो हम तिरंगा देखते हैं अभी उस तिरंगे की पैदाइश नहीं हुई थी तो ये फ्लैग बनाया गया था होम रूल लीग के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जिसे हम मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं विच एक्चुअली गेव सपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स हमने पिछले के लेसन्स में भी इसके बारे में पढ़ाई की है इन इंडियन मुस्लिम लीग एंड कम्युनालाइजेशन बस मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर उस चैप्टर को देखें ताकि आप इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन और किस तरीके से इस इसने कम्युनालाइजेशन इंडिया में लीगल बनाया उसके बारे में आप जान सकते हैं द गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नॉट नाइन वॉज अ डिसैटिसफेक्टरी टू द एस्पिशन ऑफ इंडियंस हाँ सही तो बात है नाइनटीन नॉट फाइव में इंडिया का बंगाल का पार्टीशन किया गया था टू कर्ब नेशनलिज्म और नाइनटीन नॉट नाइन में जो है लीगलाइज किया गया था सपरेट इलेक्टोरेट्स को हालांकि नाइनटीन इलेवन में जो था वो बंगाल को फिर से क्लब कर दिया गया था लेकिन द डैमेज हेज ऑलरेडी बिन डन तो नाइनटीन नॉट नाइन वॉज अ डिसैटिस्फेक्टरी वन ऑफ द रीजन फॉर द बर्थ ऑफ इंडियन होम रूल लिग मूवमेंट द कांग्रेस party split इन 1909, and fiery एंड फे Gangadhar लीडर imprisonment गंगाधर 1908 to फ्रॉम meant that there टू a lull in दैट movement. अ लल इन नेशनल हमने देखा कि किस तरीके से 1907 सूरत स्प्रिट के बाद जो है बाला गंगाधर तिलक इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो चुके थे और ब्रिटिश जो है उन्हें कैप्चर करने की बहुत कोशिश कर रही थी उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश कर रही थी और अल्टीमेटली उन्हें अरेस्ट किया गया था और 1908 से 1914 तक उन्हें जेल में रखा गया था तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश था कि बालगंगाधर तिलक जैसे एक प्रोमिनेंट लीडर को अरेस्ट किया गया बिकॉज़ ऑफ द फॉल इन स्प्लिट इन कांग्रेस 1907 जिसे हम सूरत स्प्लिट भी कहते हैं बट तिलकस रिलीज एंड द एडवेंट ऑफ एनी बेसेंट बॉट अबाउट अ रिवाइवल ऑफ नेशनल मोमेंट। तो तिलक छूट गए थे 1914 में उन्हें रिहा किया गया था तो लोगों में एक नया उत्साह था उमंग था तो वो रेडी थे एक नए मोमेंट के लिए जिस तरीके से उन्होंने नाइनटीन में स्वदेशी और वंदे मातरम मूवमेंट में पार्टिसिपेट लिया था वो फिर से एक नया मूवमेंट बनाना चाहते थे तो फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश तो कहीं ना कहीं एनि बिसेंट का सपोर्ट और बाला गंगाधर तिरक का रिलीज जो था वो एक नया इंस्पिरेशन था इंडिया के लिए एनी बिसेंट वॉज एन आयरिश सोशलिस्ट हमने देखा इसके बारे में अभी शी वॉज अ राइटर एंड ऑरिटर हु सपोर्टेड द आयरिश एंड इंडियन होम रूल मोमेंट शी अराव इन इंडिया इन 1893 तो 1893 93 से ही अनी बीसेंट जो है वो इंडिया में रह रही थी अनिबिसट दरअसल एक सोशलिस्ट थी एक राइटर और एक औरटर थी वो चाहती थी कि इम्पीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो वो चाहती थी कि नॉट जस्ट इंडिया बाकी के जितने भी देश थे उस वक्त ब्रिटिश राज के अंदर तो उन्हें वो सेल्फ रूल दिलवाना चाहती थी

तो एनी एनिबीसेंट को लगा कि दिस इज द बेस्ट टाइम क्योंकि इंग्लैंड की नीड यहाँ पर क्योंकि हिंदुस्तान जो था वो ना सिर्फ रेवेन्यू सप्लाई करता था बट ऑल्सो आर्मी भी हिंदुस्तान से ही रिक्रूट की जाती थी बहुत, एक लंबी एक बहुत ही बड़ी तादाद में जो है था, वो आर्मी को रिक्रूट किया जाता था बंगाल और अवध कंटिजेंसी से तो कहीं ना कहीं एनी एनिबीसेंट को लग रहा था कि दिस इज द राइट और एप्ट ऑपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक एट ब्रिटिश राज हैविंग रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल इन मंडाले तिलक अंडरस्टूड द नीड फॉर अ रिवाइवल ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द कंट्री मंडाले जो आज के बर्मा में है तो वहाँ पर उन्हें नाइनटीन नॉट एट अरेस्ट करके वहाँ पर भेजा गया था छः साल के लिए तो रिलीज होने के बाद जो है बाला गंगाधर तिलक को लगा कि येस दिस इज द एप्ट एंड राइट अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक अगेंस्ट ब्रिटिश राज इन कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर नाइनटीन फिफ्टीन इट वॉज डिसाइडेड टू लेट द एक्सट्रीमिस्ट रीजॉइन द पार्टी लार्जली ड्यू टू एनी बीसेंसुएशन हमने देखा कि नाइनटीन नाट सेवन में सूरत स्प्लिट हुआ एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो आईएनसी से बाहर चले गए थे वो अब इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहे थे तो इसी मामले का फ़ायदा उठाकर ब्रिटिशों ने द वेरी स्टालवर्ड जो कि गंगाधर तिलक थे उन्हें अरेस्ट करवाया था 1914 1914 में जब बाहर आए तो बाला गंगाधर तिलक को ये बात पता चली कि इंडिविजुअली वी कैन नेवर फाइट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस वक्त तक एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था बाल गंगाधर तिलक को पता था कि सम हाउ वी कैन अचीव इंडिपेंडेंस ओनली टुगेदर एंड विथ यूनिटी तो कहीं ना कहीं बीसेंट को भी यह पता था तो शी परसुएडेड आईएनसी एंड द मॉडरेट लीडर्स हुर के वो फिर से एक्सट्रीमिस्ट को जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन होने की परमिशन दे ताकि वो दोनों मिलकर जो है फिर से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सके हैड हैल्सो रिकोग्नाइज द नीड फॉर कांग्रेस अप्रूवल एंड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन द नेशनल स्ट्रगल तो एनी बीसेंट को पता था और बाल गंगाधर तिलक को भी ये पता था कि मॉडरेट्स के, के तरीके और हमारा पैशन इन दोनों को मिलकर ही इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला सकते हैं बीसेंट मैनेज टू कन्विंस द कांग्रेस टू प्लस टू एजुकेटिव प्रोपोगेंडा एंड दस्टैब्लिशिंग ऑफ लोकल लेवल कम्युनिटीज़ तो कहीं ना कहीं उस जमाने के पंचायती राज की सिस्टम के तरह यानी बीसेंट ने एक एम्फोसिस दिया कि हम क्यों ना लोकल लेवल कमिटीज़ के द्वारा एक एजुकेटिव प्रोपोगेंडा लेकर ईवन द वेरी मास यानी तो कि जो आखिरी जो पर्सन है लड़ाई लड़ सकता है हम उस तक भी क्यों ना पहुँचें 1916, set, set तो कहीं ना कहीं चंद कंडीशंस के साथ जो है इन एक्सट्रीमिस्ट को रीजॉइन करने का एक मौका दिया गया अकॉर्डिंगली शी सेटअप हर होम रूल लीग इन से मद्रास देखिये किस तरीके से स्टार्ट होता है ये होम रूल लीग कहीं ना कहीं आई के साथ ही आईएनसी के बाद भी जो है एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस बनाने के लिए यानी बेसेंट और बाला गंगाधर तिलक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप पिक्चर देख सकते हैं ये बाला गंगाधर तिलक की पिक्चर है तिलक हवेवर वॉज नॉट बाउंड बाय एनी सच कंडीशन एंड हैड टू सेट हिज लीग इन अप्रैल नाइनटीन सिक्सटीन इन बेलगाम तो तिलक जो थे वो उन्होंने अभी आई ज्वाइन नहीं किया था तो कहीं ना कहीं उन पर इस तरीके का कोई कंडीशन लगाया नहीं गया था तो उन्होंने जो है वो अप्रैल में ही 1916 सिक्सटीन बेलगाम जॉर्ज के कर्नाटक में है उन्होंने वहां पर अपना होम रूल लीग सेट किया हुआ था अपना एक सेपरेट मोमेंट उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था ऑब्जेक्टिव तो आइए देखते हैं कि दरअसल इस होम रूल लीग के ऑब्जेक्टिव क्या थे क्योंकि हर हर मोमेंट जो इंडियन इंडिपेंडेंस मोमेंट में आया उसका कोई ना कोई रीजन था और ऑब्जेक्टिव्स थे जैसे कि नाइनटीन फाइव में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो उसका ऑब्जेक्टिव था कि इस पार्टीशन को रोक दिया जाए तो इसी तरीके आइए जानते हैं कि रूल लीग का ऑब्जेक्टिव क्या था टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया ये कहीं ना देखिए एक इम्पॉर्टेंट सी बात जो आपको जाननी थी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है जो कि आगे के सेशन्स में आगे के कार्य कार्यक्रमों में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बात आगे रखता है फिलहाल के लिए जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जा रही है यानी कि हिंदुस्तान का गवर्नेंस हिंदुस्तान के हाथों ठीक है

टू बिल्ड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग इंडियंस टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स सपरेशन तो ब्रूटल तरीके से जिस तरीके से ब्रिटिश सप्रेस कर रहा था तो लोगों में एक जागरूकता लोगों में एक हिम्मत धैर्य लाने की ज़रूरत थी कि वो कॉन्फिडेंस लाए और ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ जुटा सके इनडायरेक्टली वो इस होमरुल लीग को एक मास बेस्ड इंडिपेंडेंस मोमेंट में बदलना चाहते थे to demand a larger political representation for Indians from a British government. अभी जो हमने देखा कि complete independence की बात नहीं की जा रही है स्वराज की बात की जा रही है यानी कि self rule की बात की जा रही है which ultimately would would lead to independence but not as of now. To revive political activity in India while maintaining the principles of the Congress पार्टी तो कांग्रेस पार्टी जो जिस प्रिंसिपल से चल रही थी नॉन वायलेंस या फिर एक मॉडरेट प्रिंसिपल्स पर जो चल रही थी उस उस प्रिंसिपल्स पर चलते ही एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को थ्रू आउट इंडिया में रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी देयर अप्रोच तो आइए देखते हैं कि इनका अप्रोच किस तरीके से था आप पिक्चर देख सकते हैं ये एनपीसेंट की पिक्चर है द लीग वॉज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन डेमॉन्स्ट्रेशन एंड एजिटेशन तो उनका तरीका जो था वो कहीं ना कहीं नॉन वायलेंट ही था वायलेंट नहीं था क्योंकि वो डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे प्ले कार्ड्स वगैरह पकड़ के ब्रिटिशों के पास जाना पिटिशंस वगैरह लगाना एजिटेशन वो कर रहे थे बिल्कुल पब्लिक मीटिंग विद फायरी स्पीचेस हमने जाना कि एनी एनीबिसेंट वॉज अ ऑरेटर बाल गंगाधर तिलक भी जो थे वो एक बहुत ही अच्छे ऑरेटर थे तो फायरी स्पीचेस वो देते थे पब्लिक स्पीचेस वो जाकर देते थे अगर आपको पता हो पिछले स्लाइड्स में हमने बात किया कि किस तरीके से शिवाजी जयंती और गणेश चतुर्थी का डिस्कवरी या फिर री इन्वेंशन किया बाला गंगाधर तिलक ने ही वॉज़ द पर्सन बिहड दिस क्योंकि उन्हें पता था कि लोग जो है वो एटलीस्ट रिलीजन के नाम या कम्यूनिटी के नाम जो है वो एक जगह जमा होंगे और वहाँ पर वो स्पीच दे सकते हैं ब्रिटिशों के खिलाफ इंडायरेक्टली इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस मोवमेंट को पुश किया जा सकता है तो इस तरीके से वो फायरी स्पीचेस देते थे पब्लिक मीटिंग्स को रखते थे दिस वॉज़ एक्चुअली टू अलार्म द ब्रिटिश कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली ब्रिटिश को एक इंजेक्शन देने की तरह ये काम कर रहे थे उनका अप्रोच कुछ इस तरीके से था तो आइए देखते हैं कि रिजल्ट क्या था एज अ रिजल्ट एनी बिसेंट वॉज अरेस्टेड इन जून नाइनटीन बिल्कुल एनी बिसेंट को तो अरेस्ट करना ही था क्योंकि पहली बात वो आयरिश थी इंडियन नहीं थी इनडायरेक्टली शी वॉज सपोर्टिंग इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स क्रिएटेड अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट इट वॉज सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट मॉडरेट लीडर्स ज्वाइन द लीग हमने देखा कि किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट को जो है री जॉइन करने का मौका दिया तो जाहिर सी बात थी कि कहीं ना कहीं मॉडरेट लीडर्स भी जो थे वो इस लीग को ज्वाइन कर चुके थे बीसेंट वॉज रिलीज इन सेप्टेम्बर नाइनटीन सेवनटीन कई परसुएशन चले बालाधर तिलक से और मॉडरेट लीडर्स से आई एन सी से तब जाकर ब्रिटिशों ने एनी बिसेंट को जो है रिलीज किया द सैड एंड आइए देखते हैं कि किस तरीके से होमरुल लीग वॉज अ सक्सेस एज वेल एज फेल्योर द मूवमेंट वॉज नॉट अ मास मोमेंट हमने देखा कि किस तरीके से ये एक इनडायरेक्ट मोमेंट था ये नहीं कि डायरेक्टली ब्रिटिश पर सप्रेस कर रहे हैं या फिर ब्रिटिश पर अटैक कर रहे हैं इट वॉज़ टू एजुकेट पीपल सो दैट दे अटैक ब्रिटिश हमने पिछले स्लाइड्स में इसके बारे में बात किया तो ये मूवमेंट जो था वो डायरेक्ट मास्ट बेस्ड नहीं था वो चाहते तो थे कि लास्ट पर्सन तक पहुँचे लेकिन उस लास्ट पर्सन तक पहुँचने की वजह थी कि वो उन्हें अवेयर कर सकें एजुकेट कर सकें उसके पोलिटिकल राइट्स को लेकर ताकि वो आगे बढ़े इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू एजुकेटेड पीपल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स तो देखिए कि किस तरीके से एक मास बेस्ड मूमेंट बनाना चाहते तो थे लेकिन वो बस एक एलाइटिस्ट मोमेंट बनकर रह गया उसका रिस्ट्रिक्शन जो था वो बस एजुकेटेड पीपल और कॉलेज स्टूडेंट्स तक ही था यूनिवर्सिटीज़ तक ही था द लीग डिड नॉट फाइंड अल्स लॉट ऑफ सपोर्ट अमोंग मुस्लिम्स बिल्कुल एंग्लो इंडियंस एंड नॉन ब्राह्मण्स फ्रॉम सदरन इंडिया एज दे थॉट होम रूल वुड मीन अ रूल ऑफ अपर क्लास हिंदू मेजोरिटी तो कहीं ना कहीं एक भावना थी कि दिस इंडियन होम रूल लीग जो कि ज़्यादातर एल सेक्शन या फिर एजुकेटेड लोगों के द्वारा ही हो रहा है तो मुस्लिम नॉन ब्राह्मण्स और एंग्लो इंडियंस जो थे वो डर रहे थे कहीं ना कहीं ये अपर कास्ट हिंदू मेजोरिटी का रूल ना बने यानी कि ब्रिटिश जा रहा है लेकिन हिंदू मेजोरिटी अपर कास्ट की जो हिंदू मेजोरिटीज़म जो है उसे छोड़ जा रहा है तो दिस वॉज नाट पेड वे के उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया मेनी ऑफ द मॉडरेट्स वर सेटिस्फाइड विद गवर्नमेंट्स अश्योरेंस ऑफ रिफॉर्म्स मॉन्टेगो डिक्लेरेशन या फिर जिसे हम मॉन्टेगो चेम्स फॉर रिफॉर्म्स कहते हैं नाइनटीन नॉट नाइन तो कई लोग, लोग जो है वहाँ पर वो खुश थे क्योंकि ब्रिटिशों ने कई रिफॉर्म्स दिए थे नाइनटीन नाइनटीन में ही जो थे ब्रिटिशों ने साइमस कमीशन की भी बात की एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया था कि नाइनटीन थर्टी में हालांकि साइमन्स कमीशन तो नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में ही आया था तीन साल पहले तो उन्होंने कहा कि इस तरीके का जो एक हम नया कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं या फिर एक नए रिफॉर्म्स जो हम ला रहे हैं जहाँ पर हम सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम रिजर्वड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इस तरीके के रिफॉर्म्स जो थे वो मॉडरेट्स को बहुत ही सैटिस्फाई कर चुके थे वो आगे कुछ और नहीं चाहते थे एनी बिसेंट केप्ट ऑसेलेटिंग बिटवीन बींग सैटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट टॉक्स ऑफ रिफॉर्म एंड पुशिंग द होम रूल मूमेंट फॉरवर्ड तो द वेरी पर्सन इट्स एल्फ एनी बीसेंट वॉट क्वाइट श्योर कि उन्हें किस तरफ जाना है या तो उन्हें उस रिफॉर्म्स के बाद यानि कि ब्रिटिशों के साथ नगोशिएशन करके रिफॉर्म्स लाना बस यही काम था या फिर ब्रिटिश के खिलाफ लड़कर कंप्लीट इंडिपेंडेंस उन्हें दिलवाना था यानि कि देर वॉज अ लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप इन सेप्टेम्बर नाइनटीन एटीन तिलको इंग्लैंड टू परस्यू अ लाइबल केस अगेंस्ट अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड ऑथर ऑफ द बुक इंडियन अंडरेस्ट विर तिलक लॉस्ट द केस एनी बीसेंट जो यहाँ पर लड़ रही थी पूरे इंडिया में तो बाला गंगाधर तिलक भी लड़ रहे थे लेकिन वो एक ब्रिटिश ऑथर या ब्रिटिश जर्नलिस्ट के केस लड़ने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे जहाँ पर उन्होंने केस हारा दरअसल वो ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो था वो एक बहुत ही प्रोमिनेट जर्नलिस्ट था जिसने किताब लिखी हुई थी इंडिया अनरेस्ट जिन जहाँ पर उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा हुआ था तो दिस गेव अ डेथली ब्लो टू तो द वेरी रेपेशन ऑफ बाला गंगाधर तिलक क्योंकि तिलक जो थे वो एक लॉयर भी थे तिलक एपसेंस एंड बीसेंस इन एबिलिटी टू लीड द पीपल लेट टू द मोमेंट फिजिंग आउट कहीं ना कहीं बाला गंगाधर तिलक इंडियन थे तो उनका रैपो इंडियन से बहुत अच्छा था एनीबिस को लोग मानते तो ज़रूर थे लेकिन कहीं ना कहीं इंडियंस से वो जो कनेक्ट चाहिए था एक एक इंडिजीनियस जो कनेक्ट था वो कहीं ना कहीं मिस कही, था हमने पिछले स्लाइड में भी देखा कि एनीबिसेंट को ये प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उन्हें रिफॉर्म्स के साथ सेटिस्फाई रहना था या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगना था तो समवेयर दिस मोमेंट वॉज फिजिंग आउट अमॉग द पीपल आफ्टर द वार महात्मा गांधी गेंड प्रोमिनेस एज ए लीडर ऑफ द मासस एंड द होम रूल लिग मस्ड विद कांग्रेस पार्टी इन नाइनटीन तो पिछले स्लाइड्स में जो हमने देखा कि आई से एक पैक्ट हुआ था अनिबीसेंट का कि अगर फेल हो जाए कम्युनिटी बेस्ड लेवल को कनेक्ट करने में पीपल में तो वो खुद की एक होम रूल लीग बना सकते हैं तो यही सेपरेट आईएनसी से जो सेपरेट होकर एक होम रूल लीग बनाई गई थी बाला गंगाधर तिलक और अनि बीसेंट से तो कहीं ना कहीं बापू की प्रोमिनेंस के वजह से उस होम रूल लीग को इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला दिया गया था 1920 में तो समवेयर द होम रूल लीग वॉज क्वाइट नॉट successful in reaching what it wanted to reach and it was also successful it and it was indeed successful in paving way for pushing Indian independence movement a step further तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी स्वराज में बर्थराइट या फिर होमरूल लीक के बारे में I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू फॉर वाचिंग मे वीडियो